हाय गाइस, वेलकम टू चौरीशी ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं आम की चटनी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो चलते हैं। हमें इसके लिए आम चाहिए, आम की कैरी। तो फिर हम ये आम हमने लिए हैं, एकदम फ्रेश आम है। इसके लिए हमने मिंट, हरी मिर्च और आम लिया हुआ है। अब इसमें से हम एक आम लेंगे बड़ा वाला और इसको अच्छे से पील कर लेंगे। तो आप अच्छे से छील लीजिए इसको पूरे तरीके से। और ये हमारी फ्रेश धनिया है जो कि हम यूज़ करेंगे। अब आम को इस तरीके से आप छील लीजिए। एक आम को हमने छील लिया है, अब दूसरा हमारे पास ऑलरेडी एक कटा हुआ रखा था, तो इसको भी हम छील लेंगे। हम 1.5 आम ले रहे हैं, कच्चे आम ये कैरी बोलते हैं इसको। तो ये ऑलरेडी कटा हुआ था तो उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए आम हमारे कट चुके हैं, अब इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो वॉश हमने कर लिया है अपने आम को, देखिए। और इनको हम नाइफ से काटेंगे, ये एकदम फ्रेश है तो नाइफ से तुरंत ही कट जाएंगे। देखिए आम को हमने काट लिया, जो बीच में इसका जो गुठली आती है उसको हम निकाल लेंगे साइड में, क्योंकि इसको हमें नहीं लेना है, ये कड़वी होती है बिटर, तो इसको हटा दीजिए। अब इसको छोटे छोटे पीस में आप काट लीजिए, क्योंकि हम इसकी चटनी काट बना रहे हैं तो छोटे पीस में आप काट लीजिए। अब दूसरे वाले को भी हम यूज़ करके काट लेंगे। ये जो बीच में है इसको भी हम निकाल लीजिए आप भी। जो साइड से जो एक्स्ट्रा है वो हमने हटा दिया है और इसको आप अच्छे से काट लीजिए। देखिए आम हमने अपने सारे लगभग काट ही लिए हैं, आप इस तरीके से छोटे पीस कर लीजिए। देखिए आम हमने अच्छे तरीके से काट लिए हैं। अब जो हमने हरी मिर्च ली हुई है इसको हम डंठल तोड़ लेंगे। दो हरी मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं और बीच से आप तोड़ लीजिए नाइफ के सहायता से। और अब हम लेंगे कुछ फ्रेश मिंट जो हम तुरंत ही तोड़ रहे हैं। देखिए 6 से 7 हमने मिंट फ्रेश एकदम ले लिए है और अब हम इसको डाल देंगे। अब आप धोकर ही डालिएगा, क्योंकि जो हमने फ्रेश ली थी वो हमने धोकर ही डाली है। अब जो मिक्सर होगा ग्राइंडर, उसमें आप ये सब कुछ डाल लीजिए। अब इसमें हमें 1 चम्मच सॉल्ट डालना है। बस अब बंद कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। तो हमने मिक्स कर लिया है तो हमारी चटनी अब रेडी है। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके आप एडिट करके आप मिक्स कर लीजिए। देखिए चटनी हमारी एकदम तैयार हो गई है, नेचुरल कलर है इसमें, कुछ भी हमने ज़्यादा एडिट नहीं किया और टेस्टी भी बहुत लगती है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं अपनी। इस तरीके से आप अपनी सारी चटनी निकाल लीजिए।
आप चटनी को 1 से 2 दिन स्टोर भी अच्छे से फ्रिज में कर सकते हैं। देखिए हमारी चटनी एकदम फ्रेश बनकर हो गई है तैयार। अब गार्निश के लिए हम थोड़ा सा मिंट पुदीना ले लेते हैं। तो बड़ी लीव्स हम देखते हैं इसको। आप गार्निश के लिए लीव्स ले लीजिए। देखिए आप इस तरीके से अपनी चटनी बना सकते हैं, एकदम फ्रेश है और इतनी टेस्टी भी। लुक वाइज भी कलर एकदम ग्रीनिश है। और खा के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट रहता है तो हम और भी वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।